बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर मैं आज आपको बेबी शूज़ बनाने का तरीका बताऊंगी। और ये शूज़ बच्चे को पहने हुए बहुत खूबसूरत लगते हैं और बड़े आसान और इजी हैं। और ये न्यू बनाने वाली जो लेडीज़ हैं वो बड़े अच्छे से सीख सकती हैं और बड़े प्यारे शूज़ बनते हैं ये। जब मैं आपको तरीका बताती हूँ आपको इसका, इसके लिए एक ये चाहिए हमें क्रोशिया और ये कैंची। और इसके लिए मैं आपको बताती हूँ, ये छोटे बच्चे के लिए है जिसकी उम्र होगी 1 साल से लेके 6 माह के बच्चे के लिए। और इसके लिए मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए ये धागा है, ये मैंने लिया ऊन। ऊन में आप दो कलर ले सकती हैं। मैंने ब्राउन, मैरून और येलो लिया है। आप पिंक और येलो भी ले सकती हैं, ये आपकी चॉइस पे, आपको जिस जो भी कलर पसंद हो। इसके लिए मैं आपको तरीका बताती हूँ कैसे इसको, ये देखें, ये ऐसे इसको लिया और ये देखें इसका बना लिया। आप इसको हैंड पे लें और ये देखें इसके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 चेन्स मैंने बनाई हैं। और अब इसको 3 चेन्स में और लूंगी, 1, 2 और 3। और इसको यूं लेके मैंने ये तीसरी चेन है इसमें डाल के इसको कंप्लीट करना है। ये देखिए ये देखें, ये इस ऐसे लेना है, एक ही चैन में से क्रोशिया गुजार के आपने ऐसे इसको कंप्लीट करना है। यूज आपको अच्छे से नजर आ रहा होगा कि मैं कैसे बना रही हूँ। इसको कंप्लीट कर लिया, अब इसी तरह मैं पूरी रो इसको कंप्लीट कर लूंगी। ये देखिए ना, बंद कर दे रही हूँ, अगली रिकॉर्डिंग फिर करेंगे। ये मैंने चेन्स कंप्लीट कर ली हैं। अब देखें यहाँ पे, जब सारी चेन्स कंप्लीट हो जाएंगी तो फिर मैं यहाँ पे देखें, 1, 2, 3, एक चेंज में से मैंने 3 चेंज निकाली हैं, 3, 4। फिर देखें, एक चैन में से मैंने 3 चैन्स, ये 4 चैन्स निकाली हैं। ठीक है, ऐसे आप इसको पूरी कंप्लीट कर लेंगे। फिर
नाजरीन देखिए आगे मैंने यहाँ पे कंप्लीट होना है। वहाँ पे मैंने जो चैन से नज़र आ रही है सुराख, इसमें से मैंने टू टू चेन्स निकालनी है। ये देखिए वन टू, वन टू, एक चेन्स में से टू चेन्स निकालनी है। टू वन टू टू चेन्स मैंने इसमें से टू टू, ये देखिए वन टू थ्री, अब यहाँ तक मैंने इसकी टू टू चेन्स निकालनी है। देखें ऐसे ये बहुत इजी है और बहुत आसान है। आप इस तरह ये इसका नीचे वाला पाँव का जो तलवा होता है वो बनाने के लिए आप इसको ऐसे कंप्लीट करेंगे। जब भी आपके सामने मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसे इसको कंप्लीट होता है। ये देखें अभी मैं इसको यहाँ से यहाँ तक लेके ना इसको, ये देखें ये देखें ये आपको सामने नजर आ, ये पूरा पाँव इसका पूरा आ रहा है और यहाँ पे जाके ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ से मैं इसको दोबारा से स्टार्ट करूँगी। ठीक है अभी मैं बना कंप्लीट करके आपको बताती हूँ। ये देखिए आज मैंने यहाँ पे इसको आके कंप्लीट कर लिया है। ये नीचे के पाँव का नीचे नीचे वाला जो तलवा है वो पूरा हो चुका है। ये देखिए अब आगे आपको बताती हूँ कि यहाँ से अब स्टार्ट करना है इसको कंप्लीट करने के लिए। आप यहाँ से चेन्स को सिंपली आप सिंगल उठाना है और इसको ऐसे लेके जाना है। ठीक है अब इसको हम चप्पल का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको कंप्लीट करने के लिए ये बनाएंगे। देखिए नाज़िर मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पे इसको देखिए ऐसे इसको पूरा कंप्लीट करके इसको यहाँ से मैं सीजर से काट दूँगी। इसके साथ मैं इसको ये देखिए यहाँ से कंप्लीट हो गया है। अब इसके साथ यहाँ से मैं इसके लिए दूसरा कलर चेंज करके वो आपको बताती हूँ। ठीक है ऐसे इसके साथ ही मैं इसको धागे को दोबारा जोड़ दूँगी ताकि ये गिरा लगा देंगे। ऐसे इसको गिरा लगाने के बाद मैं आपको ये सारा बता रही हूँ। ये देखें गौर से ज़रा देखें, ये देखिए ये कंप्लीट हो गया है। यहाँ से मैं इसको दोबारा से निकालूँगी और ये देखिए ये पीछे से कैसे लगा के ये मैं अब यहाँ से आपको इसको कलर के ऊपर से इसकी खूबसूरती के लिए एक दूसरा कलर लगा रही हूँ। देखिए ऐसे ही चैन को उठाऊंगी और इसके साथ इस कलर को अटैच करते जाएंगे। देखिए ये कैसे कंप्लीट होता जाएगा सारे का सारा। गौर से देखिए इसको आपको पता चलेगा कि कितना आसान और कितना इजी शूज बनाना है। अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो ऐसे बना सकते हैं। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो पर हमारे चैनल पर नंबर होंगे। आप इस नंबर पर कॉल करके अपने बेबीज़ के लिए ये शूज़ मंगवा भी सकते हैं हमसे।
आप हर तरह के शूज़ हमको आपको बना के दे सकते हैं। ये देखिए, ये मैं ऐसे इसको कंप्लीट कर दिया मैंने, ये देखिए यहाँ तक, यहाँ पे इसको पूरा कर लिया। ये देखिए अब यहाँ से इसको काट के, ये यहाँ से मैं इसका एक बनाऊंगी बटन, जो कि इसको कंप्लीट कर दूंगा। और इसके साथ इसको ये देखें गौर से, इसके साथ इसका बटन बन जाएगा। और इसी पे हम इसको, इसके जो स्टेप है इसके साथ बंद कर देंगे स्टेप को। ये देखें ये बटन बन रहा है इसका, और यहाँ इसको लगा के इसका स्टेप कंप्लीट कर देंगे। ये देखें ऐसे, ये देखिए यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा ऐसे। ऐसे इसको मजबूती के साथ लगा देंगे ताकि ये देखिए ये कंप्लीट हो गया हमारा। यहाँ से हम इसको काट के इसका धागा निकाल देंगे यहाँ से। ये देखिए ये शूज़ हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ से हम इसको, ये इसका स्टेप है, ये एक्स्ट्रा जो धागे हैं इनको हम पक्का कर देंगे यहाँ पे। ये देखिए ऐसे, यहाँ से हम इसको निकाल के और इसको ऐसे कंप्लीट कर देंगे ताकि ये धागे मजबूती से बीच में बसे रहें। ये भी इसको भी ऐसे हम यहाँ से निकालेंगे और ऐसे इन धागों को अंदर हम फिक्स कर देंगे ताकि ये निकले नहीं, एक्स्ट्रा धागे उनको काट दें। और ये देखिए हमारा शोज कंप्लीट हो गया यहाँ पे। और ये इसका स्टेप हमने जो लगाया है इसके अंदर हम इसको बंद कर दें। ये देखिए यहाँ से पकड़ा और ये इसके साथ निकाला और ये हमारा स्टेप है यहाँ से। आप इसे यहाँ चाहे ये नहीं लगाना चाहते तो आप यहाँ पे बटन भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये देखिए और ये मैंने एक छोटा सा फ्लावर बनाया है जो इसके ऊपर यहाँ पे हम फिक्स करेंगे इसकी खूबसूरती के लिए। आप इसको ऐसे लें और ऐसे लेके यहाँ से इसको एक गिरा लगाएं नीचे से मजबूती के साथ तक उतरे नहीं इसको। उस फ्लावर को ऐसे सीधा करके, एक्स्ट्रा धागे इसके आप इनको काट सकते हैं। और ये देखिए हमारा शूज कंप्लीट हो चुका है, एक ऑलरेडी पहले से तैयार था और एक हमने ये तैयार कर लिया। ये देखिए ये हमारे दो शूज कंप्लीट हो चुके हैं। ये आप देखें गौर से, जो बच्चे को पहने बहुत खूबसूरत लगेंगे। हमारा चैनल अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि हमें हमारे जो बनाए शूज़ आपको कैसे लगे, ठीक है नाज़रीन। और हमें अपनी दुआ में याद रखिए।